आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर आज 2 दिन बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है और उसकी वजह से आज शेयर तकरीबन 14% तक दौड़ गया था, लेकिन उसके बाद गिरावट भी आ गई और तकरीबन एंड ऑफ द डे 7.5% के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ है। आप देखिए 37 रुपीज तक ये शेयर पहुंच गया है, क्लोज हुआ है, जबकि 39 रुपीज तक आज इसने हाई बना दिया था और प्रीवियस क्लोज 34 रुपीज के आसपास का था। तो आखिर आज ऐसी कौन सी खबरें आई है और आने वाले दिनों में हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं यस बैंक के शेयर में, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यस बैंक का जो शेयर है वो 37 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज 39 ऑलमोस्ट 40 रुपए तक का बहुत बड़ा हाई बना था जैसे ही खबर आई थी। देखिए, शेयर लो भी 34 रुपीज तक का लो भी था, लेकिन जैसे ही खबर आई आपको देखिए बहुत बड़ी रैली। 34 रुपीज का शेयर थोड़े ही वक्त में 39 रुपीज तक पहुंच गया था। एक ही घंटे में 34 रुपीज का शेयर 39 रुपीज तक पहुंच गया, तो बहुत बड़ी तेजी थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि गिरावट भी आई, लेकिन एंड ऑफ द डे शेयर 37 रुपीज पर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो 20% से भी ज्यादा की गिरावट हमें इसके शेयर में देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 34 रुपीज तक का लो है और 47 रुपीज तक का हाई है। पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में 78% से भी ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। 280 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया है, 30 रुपए तक भी ये पहुंच गया था ये शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, 9,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करेंगे तो 28 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 28 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहली क्या कि शेयर में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली खबर निकल कर आई है ये, तो वो ये है कि यस बैंक शेयर ने आज 13% की बहुत बड़ी छलांग लगाई आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ लैंडिंग हायरिंग अंशु जैन टू रेज फंड। तो देखिए, अंशु जैन आखिर है कौन, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले आप देख सके कि अंशु जैन को यस बैंक ने अपॉइंट किया है कि वो उनको हेल्प करेंगे फंड रेजिंग को लेकर। फंड रेजिंग हाल एक लौता ऐसा रास्ता है जो यस बैंक को डूबने से बचा सकता है। तो देखिए, यस बैंक की अगर हम बात करने भी जाए तो इनका बहुत सारा जो पैसा है वो एज अ एनपीए में फंसा हुआ है। पैसा ऐसा है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर उनको कैपिटल की जरूरत है। तो यहाँ पर यह है कि अंशु जैन को उन्होंने हायर किया है अपने, तो बोर्ड की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिला है $2 बिलियन फंड रेज करने का। तो अंशु जैन इज अ फॉर्मल सीईओ, सीईओ ऑफ डिस्चार्ज बैंक, इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर फिट्सगर्ड एंड इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ब्रोकरेज फॉर्म। तो काफी बड़ा नाम इसका इनका है। आप देखिए, प्रीवियस वो डिस्चार्ज बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकरेज फर्म के एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा नाम है ये, और डेफिनेटली अगर वो इनको फंड रेजिंग में हेल्प कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा हम कह सकते हैं कि एक अच्छी जगह से आ सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर यस बैंक में अगर हाल फिलहाल में चीजों के बारे में बात की जाए तो इंडिया रेटिंग्स ने उनकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड कर दिया गया है। और यस बैंक की अगर हम बात करने भी जाए कि बोर्ड हैज नॉट डिसाइड टू नॉट प्रोसीड विद प्रपोजल ऑफ इरविन सिंह ब्रिज। तो देखिए, $2 बिलियन का जो निवेश आने वाला था उसमें से 1.2 बिलियन का निवेश इरविन सिंह ब्रिज करने वाले थे, लेकिन बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इरविन सिंह ब्रिज की अगर हम बात करने जाए तो ऐसा कोई खास उनकी रेपुटेशन नहीं है, लेकिन हाँ, बैंक की तरफ से ये कहा गया था कि वो $500 मिलियन का जो निवेश उनका है सीटेक्स होल्डिंग की तरफ से, उनको वो लोग कंसिडर करेंगे। मतलब वो जो निवेश है उसको वो लोग कंसिडर कर लेंगे। उसके साथ साथ काफी लोगों ने रिजाइन भी किया था बैंक से, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने रेजिग्नेशन दे दिया था, और उन्होंने कहा, और उसकी वजह से काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो वो चीजें भी देख कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी। और दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इनकी एक जनरल मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग से पहले 14% की बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। तो मीटिंग इनकी कब होने वाली है, देखिए, तो द प्राइवेट सेक्टर लेंडर जनवरी सेड दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी
जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बैंक वुड बी हेल्ड ऑन फरवरी 7 इन मुंबई टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल। देखिए तो इनका जो ऑथराइज कैपिटल है उनको इंक्रीज करने के लिए 7 फरवरी को इनकी एक मीटिंग होनी है। आज 5 तारीख हुई है, मतलब परसों इनकी मीटिंग होगी, परसों इनकी मीटिंग होगी। टू इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल फ्रॉम 800 करोड़ टू 1100 करोड़ एंड टू अल्टर द क्लॉज वी फॉर द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ बैंक। तो यहाँ पर है कि देखो इनका जो ऑथराइज शेयर है वो 800 करोड़ से इंक्रीज करके 1100 करोड़ तक यहाँ पर इनको इनका करने का प्लान है। तो वो एक चीज है। अगर हम बात करने जाए तो बैंक की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है कि 10,000 करोड़ के फंड रेज का जो अप्रूवल है वो भी मिल चुका है। तो दो बड़ी खबर निकल कर आई है। अंशु जैन यहाँ पर की हेल्प यहाँ पर यस बैंक लेंगे कैपिटल रेज करने के लिए। दूसरी, 7 फरवरी को इनकी एक मीटिंग होने जा रही है और हम सबको पता है कि मीटिंग से पहले एक बहुत बड़ा हाइप जरूर क्रिएट होता है यस बैंक में। अगर हम यहाँ पर बात करने जाएंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 8.33% की होल्डिंग है हाल फिलहाल में, जो काफी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी कम की रही है। FIS के पास 15% जितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5% जितनी होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.24% जितनी होल्डिंग है। सबने अपनी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, सबने एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी अपनी गिराई है यस बैंक में। यस बैंक के द्वारा 2.5% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है प्रमोटर की। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 238 FIIs ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जिनके पास 8.06% जितनी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 47.96% देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, 100% का डिविडेंड पे कर रहा है, दो मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो जो सिचुएशन हाल फिलहाल यस बैंक के बारे में निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी उनकी खासी अच्छी नहीं है और ये कहना है मनी कंट्रोल का। मनी कंट्रोल का ये कहना है कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग इसमें खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 13% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं और 6% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर बात करने जाए यस बैंक की बैलेंस शीट की, तो कर्जा इनके ऊपर 3,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वो बहुत बुरे थे। मार्च में तो 1500 करोड़ का लॉस बुक किया ही था, जून में भी 113 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था और सितंबर में आप देख सकते हैं 600 करोड़ का लॉस बुक हुआ है। और तो और इनका जो एनपीएस है वो बढ़ रहा है, मतलब जो असेट्स क्वालिटी है वो उतनी खासी अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और यही कंसर्न की वजह से काफी सारे लोग यस बैंक में निवेश करने से थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इनका जो एनपीएस है, असेट्स क्वालिटी है, वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है यस बैंक में। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की, इवन FIIs की, सबकी होल्डिंग बहुत हद तक कम हुई है, बहुत हद तक इनकी होल्डिंग कम हुई जरूर है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए यस बैंक में डेफिनेटली उन्होंने, यस बैंक में जो न्यूज अभी निकल कर आई है काफी पॉजिटिव न्यूज है और उसकी वजह से शेयर में इतनी बड़ी तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले भी हम ऐसी कई सारी पॉजिटिव न्यूज देख चुके हैं, चाहे वो $2 बिलियन के निवेश को लेकर हो या चाहे और कोई चीज को लेकर हो, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ऊपर उठता है लेकिन बाद में अगेन वो टूटता चला, इसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर नजर हमें रखनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए। वो ये है कि पहले दिसंबर क्वार्टर के एक बार नतीजे आ जाने दीजिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो इनके नतीजे आएंगे दिसंबर क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं होंगे, ये पहली बात। दूसरी, फंड रेजिंग एक बार हो जाने दीजिए, कौन कौन निवेश कर रहा है उसके बारे में पहले पता चल जाने दीजिए, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो एक बार पता हो जाए, उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फंड रेजिंग के लिए डेफिनेटली वो लोग इक्विटी इश्यू करेंगे, तो किस प्राइस के ऊपर इक्विटी इश्यू हो रही है वो भी हमें जानना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में जान लीजिए, उसके बाद निवेश करिए तो बेहतर होगा। हाल फिलहाल में अगर आप ये सोच के निवेश करेंगे कि चलो कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है निवेश कर लेते हैं, तो याद रखिए शेयर कब टूट के नीचे गिरेगा इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो जो इसके शेयर्स को नीचे गिरा सकती है,
जिसमें से सबसे पहली चीज जैसे कि मैंने आपको कहा कि फंड रेजिंग में अगर देरी होती है तो शेयर नीचे गिरेगा, इनकी रेटिंग्स गिरती है तो शेयर नीचे गिरेगा, दिसंबर क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो शेयर नीचे गिरेगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जबकि शेयर को इंक्रीज करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो तो ही शेयर को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे दूर रहने की ही हाल फिलहाल में सलाह दूंगा। लेकिन नजर जरूर बनाए रखें क्योंकि मौका कभी भी आ सकता है आपके पास खरीदारी करने का, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन यहाँ पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार इसमें निवेश का मौका मिलेगा, कई सारे मौके यस बैंक में आपको निवेश के आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन अभी होल्ड करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यस बैंक के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।